निकाल रहे हैं डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल कहाँ गए पहले देखना है डॉक्यूमेंट निकाल। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के कुछ विद्यार्थियों के साथ कथित मारपीट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र खुद को बिहार का बता रहे हैं। कुछ लोग बंगाली में बात करते हुए छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल कहाँ गए पहले देखना है डॉक्यूमेंट निकाल। एक व्यक्ति काफी नाराज दिख रहा है। वह व्यक्ति छात्रों से परिचय के साथ यह पूछ रहा है कि छात्र यहाँ क्यों आए हैं। एक छात्र ने बताया कि वो SSC की GD के लिए पहुंचा है जिसका सेंटर सिलीगुड़ी में है। डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल कहाँ गए पहले देखना है डॉक्यूमेंट निकाल। इस पर गुस्से में वह व्यक्ति छात्रों से डॉक्यूमेंट की मांग कर रहा है। इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया है। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया कि क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के नहीं हैं? उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा दे गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट की जा रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहाँ अपने ही देश के बच्चे बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहाँ एग्जाम देने के लिए उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। मामले में बिहार BJP के प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा कि बिहार से गए हुए छात्रों के साथ मारपीट, अमानवीय व्यवहार एवं सर्टिफिकेट छीनने की घटना परीक्षा देने से रोकना देश की संघीय व्यवस्था पर बड़ा प्रहार है। TMC के लोग ममता बनर्जी के निर्देश पर बौखला गए हैं। बिहार के छात्रों के साथ मारपीट किया जाना, पटना से गए हुए छात्रों के साथ मारपीट किया जाना, उनके सर्टिफिकेट्स को छीन लेना और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना, ये स्पष्ट रूप से TMC के गुंडों की गंदी मानसिकता को दर्शाता है। बता दें कि वायरल वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की घटना ने देश में नया बहस शुरू कर दिया है।